कहते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए दृष्टि से ज्यादा दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र ब्रेल लिपि प्रेस ने दृष्टिबाधितों को ऐसी ही दिव्य दृष्टि दी है और वो दिव्य दृष्टि है ब्रेल लिपि में तैयार की गई रामचरितमानस, जिसे तैयार करने में प्रेस के ही दृष्टिबाधित कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जब लगी मोह परखे उसो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आबाओ सी तही देखी, हो ही काजु मोहि हरे से विसेखी। यह कही नाई सबने हु कहू माथा, चले हरस ही धरी रघुनाथ। दिल में आस्था और श्रद्धा हो तो फिर भगवान और भक्त के बीच कोई बाधा मायने नहीं रखती, फिर वो आंखों की लाचारगी ही क्यों ना हो। छत्तीसगढ़ के दृष्टिबाधित लोगों के लिए प्रदेश में एकमात्र ब्रेल लिपि प्रेस ने रामचरितमानस तैयार की है। रामायण के 8 वॉल्यूम ब्रेल लिपि में तैयार किए गए हैं। हाल ही में इस प्रेस को उत्कृष्ट काम के लिए राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 2018 में हमने जो ई पुस्तकालय चालू किया, उसमें हमने 140 मेंबर बनाए और उसमें कॉपीराइट एक्ट है, उसके अनुसार सिर्फ दृष्टि बाधित ही उसका सदस्य बन सकता है और कोई सदस्य नहीं बन सकता। ऊपर से देखने में ये किताब आपको आम रामचरितमानस जैसी लग सकती है, लेकिन इसको खोलते ही आपको सफेद पेपर पर कुछ उभरे हुए अक्षर नजर आएंगे। दरअसल ये ब्रेल लिपि है जिसे स्पर्श कर दृष्टिबाधित रामायण का पाठ कर सकते हैं। ब्रेल लिपि में रामायण को तैयार करने में इस प्रेस के ही कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है, जो खुद भी दृष्टिबाधित हैं। सामान्य लोग तो रामायण कहीं भी पढ़ सकते हैं, हम लोग नहीं पढ़ पाते थे, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको ब्रेल में बनाया जाए ताकि दृष्टिहीन व्यक्ति भी इसको आसानी से पढ़ सके और समाज के साथ में मतलब अपना बैठ करके अपना सहयोग रामायण गाने में दे सके। राम सबके हैं और सब में राम है। ब्रेल लिपि में तैयार की गई ये रामचरितमानस कुछ ऐसी ही भावना का प्रकटीकरण है। यूं तो कोई भी आविष्कार या निर्माण शुद्ध विज्ञान या यांत्रिक विषय हो सकता है, लेकिन जब इसमें आस्था और श्रद्धा जुड़ती है तब तब ऐसे ही रामचरित ग्रंथ तैयार होते हैं। हम खड़े हैं बिलासपुर के ब्रेल लिपि प्रेस में, जो प्रदेश का एकलौता ब्रेल लिपि प्रेस है। यहाँ पर राज्य भर के जितने भी दृष्टि बाधित होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि से ग्रंथ साहित्य वगैरह और पुस्तकें छपती हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो यहाँ के दृष्टि बाधित है उनके लिए एक ऐसा ग्रंथ तैयार किया गया है, रामचरितमानस तैयार किया गया है, जिसको अब दृष्टि बाधित अपने अपने उंगली से स्पर्श करके उस रामचरितमानस को पढ़ रहे हैं और उसके सुखद आनंद का अनुभूति कर रहे हैं। बिलासपुर से बंसल न्यूज के लिए पंकज गुप्ता।